Hi friends, I hope all of you are doing great and aapke jitne bhi dreams and goals ho, I hope that you are able to achieve all of them. In this video, we are going to talk to JEE 2022 aspirants ki aapko agar concepts aate hain lekin aapke test mein number nahi aate, ye agar aapko samasya hai, then how can we solve this particular problem? Okay, lekin usse pehle guys, aapko comment karke batana hoga ki aap kaun si IIT mein admission loge, kaun si rank laoge and kaun si branch mein admission loge taki aapko apna goal yaad rahe. इसके अलावा आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे ऑन द एकेडबूस्ट ऐप इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, तो वहां पे जाना, आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नोट्स वगैरह बनवाए हैं फ्री में ताकि आप उनको यूज कर सको. और आपको कभी भी कुछ रिवीजन करना है टेस्ट वगैरह से पहले या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर आपको करना हो तो आप फटाफट से एक बार उनको रेफर करके नोट्स देख सकते हो. तो उनको उस ऐप को अपने फोन में रखना और आराम से उस आप चलाना नोट्स को, ठीक है? फ्री है, कुछ पैसे मत नहीं चाहिए उसके, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आपको एक रेटिंग रिव्यू दे सकते हो, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन. चलिए शुरू करते हैं अपन टेस्ट, क्यों हमारे कमजोर जा रहे हैं इस बारे में. तो पहला रीजन जो इसका रहता है, इसके बेसिकली चार रीजन रहते हैं कि यार टेस्ट तो हमारा अच्छा नहीं जा रहा है भले ही कॉन्सेप्ट आते हो. पहला तो कि कॉन्सेप्ट आपको सच में नहीं आते, आपको लगता है कि आपको आता है, ये भी एक बड़ी समस्या है. कई लोग समझते हैं कि हमें चीज आती है, समझ आ गई, लेकिन सच में नहीं आ रही होती है. तो इसका सबका समाधान हम आगे बताएंगे. दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी स्पीड कमजोर है. देखो, स्पीड कमजोर होगी तो ऑब्वियसली आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और भले ही आपको चीजें आती हों, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड इनफ, राइट. थर्ड रीजन जो रहता है वो रहता है कि आप एग्जाम में मिस्टेक्स थोड़ी ज्यादा करके आ जाते हो, आप सिली मिस्टेक्स वगैरह कर देते हो, नेगेटिव आपके ज्यादा हो जाते हैं. एंड फोर्थ एंड द फाइनल रीजन इज कि आप एग्जाम में बस इन जनरल नर्वस हो जाते हो, इसकी वजह से एग्जाम बिगड़ता है. तो 90% केसेस में ये जो समस्या है ना टेस्ट में नंबर कम आने की, वो होती है फर्स्ट या सेकंड रीजन से. तो पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट अगर वीक है. तो गाइज, ये मैंने बहुत लोगों का देखा कि कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो पढ़ाई कैसे करते हैं कि बुक पढ़ ली या लेक्चर अटेंड कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, भले ही समझ में नहीं आया हो, हमने लेक्चर देखा है तो हमें तो समझ आ गया है, ठीक है. उनको नहीं समझ आया तो भी समझ आ गया हमने, क्योंकि देखा है. फिर वो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नहीं हुआ, अच्छा सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, अरे अरे समझ आ गया, ऐसे करके चलेंगे. वो खुद को चैलेंज ही नहीं कर रहे. तो आपको पढ़ाई करने का सही तरीका पहली बात सीखना पड़ेगा. तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने सॉल्यूशन देख लिया और आपको क्वेश्चन आ गया. नहीं, आइडियली आपको सॉल्यूशन देखने से पहले एटलीस्ट 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन को देने चाहिए, फिर आपको सॉल्यूशन का 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के देखो क्या आगे कर पा रहे हो. और फिर अगर एक क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन देख लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से इनग्रेन जब तक नहीं हो ना, आप नहीं कह सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे फील दैट देयर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट इट इज एक्चुअली नॉट. आप ऐसे सोच सकते हो कि क्या आप पूरा चैप्टर किसी को समझा सकते हो. अगर मैं आपको पूछूं कि आपको मेरा फेवरेट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को एक्सप्लेन करना हो, मैं आपको पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन करो जो क्लास 10th में है, जिसको कोई आइडिया नहीं किसी चीज का, क्या आप कर सकते हो? अगर कर सकते हो देन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दिस इज अ गुड ह्यूरिस्टिक, ठीक है. तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार कि मैं खुद को समझा पाऊं कि भाई ये चीज कैसे काम करती है, ओनली देन यू कैन से कि कॉन्सेप्ट क्लियर है. और इस लेवल पे जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले आओगे तब आपके टेस्ट में कम नंबर होने वाली समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द टॉपिक. स्पेशली ये जेईई एडवांस में ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट. ओके, आप आते सेकेंड रीजन पे जो है प्रैक्टिस. ओके सॉरी, सेकेंड रीजन है जो है आपकी स्पीड, और इसका सोल्यूशन मैंने गलती से पहले बोल दिया. स्पीड का सोल्यूशन गाइज एक ही है, प्रैक्टिस करना, कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड अपने आप बनेगी, ठीक है. इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देखो होती हैं जो प्रिपरेशन में अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती है, मैथ्स वगैरह में स्पेशली, तो वो तो देखो वो भी समय के साथ प्रैक्टिस के साथ ही आएगा. तो स्पीड को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन. कई लोग ये बोलते हैं कि यार जेई के अंदर हम बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन क्यों करते हैं, वो कहे इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपकी स्पीड बने. मुझे भी पता है कि आपने एनएलएम में एक बार सीख लिया पुली वाला क्वेश्चन तो उसको शायद 20 बार करने की जरूरत शायद नहीं है, मुझे भी समझ आता है वो, लेकिन आपको फिर भी वो पूरी प्रिपरेशन में करना है ताकि आपकी स्पीड अच्छी बन जाए और वो एकदम आपके टिप्स पे आ जाए कि भाई पुलिया क्वेश्चन आया फटाफट मेरे को याद है कैसे करना है. ओके, थर्ड रीजन जो मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग. अब नेगेटिव मार्किंग और नर्वसनेस जो फोर्थ रीजन है काफी ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं. कई बच्चे नर्वसनेस के अंदर नेगेटिव कर देते हैं, कई बच्चे तुक्के मारते हैं जबरदस्ती के, और इस तरह की मैंने देखा भी, इस तरह की तो वीडियोज भी बहुत ज्यादा चलती है कि तुक्के कैसे मारे हो, पता नहीं क्या क्या, ठीक है. तो ये सब चीज़ों से आप दूर रहें. ये जो बिहेवियर है ना तुक्के मारने वाला, ये बेसिकली बिहेवियर क्या है कि हम लाइफ में शॉर्टकट चाहते हैं जबकि शॉर्टकट्स एक्चुअली बिकम लॉन्ग कट्स. हो सकता है कि आप तुक्के मारें क्योंकि टेक्निक बना भी दोगे, उससे आपके कुछ नंबर आ जाएंगे, लेकिन जेई के दिन वो काम नहीं करने वाला है. ओके, तो ये सब जो शॉर्टकट्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वगैरह वाली हरकतें ना करें. और कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह कुछ कर रहे हो तो उन पर ध्यान दिया करो कि यार अभी से अपने आपको देखो कि आप मॉक टेस्ट देते हो आपके नंबर कम अगर सिली मिस्टेक्स की वजह से आए हैं, देन प्लीज ट्राई टू करेक्ट देम. मैंने वीडियोस भी बना रखी है ऑन हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स, यू कैन गूगल सॉरी यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब की
कल्पित वीरवाल सिली मिस्टेक्स ऐसा कुछ करके, तो मैं मिल जाएगी वीडियो इस तरह की। लेकिन कुल मिला के आपको इसका भी सोल्यूशन वही है जो स्पीड का है, कि आप प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व करो और उनसे सीखो। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नर्वसनेस वाली बात है गाइस, नर्वसनेस वाली बात को रिजॉल्व आप अपने मेंटल स्टेट को चेंज करके ही कर सकते हो, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई टिप भी नहीं मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके अगर हम चलते हैं, अगर हम एग्जाम को ओवरली अटैच नहीं करते खुद से, कभी भी एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में कि आप किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो, तो वो आपसे दूर भागे जाती है। वैसे ही एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है, लक भी ऐसे ही होता है, कि अगर आप जितना ज़्यादा चेस करोगे ना किसी भी चीज़ को, भले वो पैसा हो, मार्क्स हो, ऐसा कुछ भी हो, आप उसको जितना ज़्यादा उसके पीछे भागोगे वो आपसे उतना ही दूर होगा। तो वैसे ही आप एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अरे यार ये तो मेरी लाइफ का एग्जाम है, अरे यार IIT तो सब कुछ है, अरे यार JEE में रैंक आनी चाहिए, ऐसा आप ओवरली अगर थिंक करोगे, हाँ ऑब्वियसली एक थोड़ी बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इस सब के बारे में सोचोगे गाइज, देन पता है क्या होगा, आप नर्वसनेस में आ जाओगे एग्जाम के दौरान और फिर वो JEE आपसे दूर भाग जाएगी, राइट। तो वैसे ही आपको भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ऐसे ज़बरदस्ती आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। नर्वस नहीं होने का तरीका यही है कि आप एग्जाम को इतना ज़्यादा एज अ स्टेटस मत दे दो कि भाई ये तो कोई मतलब चिल जाके दो यार एग्जाम, ऐसे जबरदस्ती सोचना नहीं कि मेरी रैंक क्या आएगी, मेरे मार्क्स क्या आएंगे, मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। दैट इज़ द सॉल्यूशन टू रिजॉल्व योर नर्वसनेस। एक बार एग्जाम से अटैचमेंट कम हो जाएगा, आपकी नर्वसनेस अपने आप जाएगी, एंड ऑब्वियसली अगर आपने पहले की चीज़ों पर काम कर रखा है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी तो क्यों नर्वस हो गए आप, राइट। सो दीज थिंग्स सॉल्व दिस नर्वसनेस इशू, प्रिपरेशन अच्छी रखना, थोड़ी स्पीड वगैरह पे काम करना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो भी अपन को कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग द एग्जाम नॉट योर मतलब उसको प्रायोरिटी बनाना है एग्जाम को, लेकिन उसके पीछे ऐसे पागल नहीं हो जाना है कि अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करोगे तो फिर नंबर डेफिनेटली कम हो गए। मेरा एक दोस्त था 11th 12th में, वो ऐसा ही था, वो क्या कि कहीं और से दूसरे शहर से आके मेरे शहर में कोचिंग ले रहा था। सो, उसका यही था कि वो एग्जाम के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था, वो पूरी दिन ही बात ये करता था कि अरे यार JEE में ये वाला बंदा टॉपर था, मेरे इतने नंबर आए, कोटा में इतना स्कोर चल रहा है, जयपुर में इतना स्कोर चल रहा है, वो यही बातें करता था पूरे टाइम। और फाइनली उसका सिलेक्शन हुआ भी नहीं, क्योंकि वो पूरे टाइम इन्हीं सबसे ऑब्सेस्ड था, कि मेरी सक्सेस कब आएगी, मेरे कब मार्क्स पड़ेंगे। ओके, जबकि अगर वो फोकस करता पढ़ाई पे और खुद पे तो शायद उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सो डोंट बी दिस टाइप ऑफ पर्सन, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन लर्निंग, डोंट फोकस टू मच ऑन रैंक रिजल्ट वगैरह वगैरह, अपने आप नर्वसनेस चली जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी डिस्कशन कर लिया इस बारे में हमने, क्या चार चीज़ें बोली मैंने आपको इम्प्रूव करने के लिए, टेस्ट सबसे पहले पढ़ाई अच्छे से करो तो ही आधा काम हो जाता है, कई बच्चों को समझ से लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट वीक है। दूसरा मैंने आपको ये बोला कि नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बचने की कोशिश करें, गलत क्वेश्चन ना होने दें। ओके, गलतियाँ हो रही हैं तो उनको ऑब्जर्व करें कि क्यों गलतियाँ हो रही हैं, उनको सही करें। ओके, थर्ड रीज़न मैंने आपको ये बताया कि आपको नर्वसनेस दूर रखनी एग्जाम के दौरान, और चौथा रीज़न मैंने आपको ये बताया कि आपको स्पीड डेवलप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिकम बेटर एट टेस्ट टेकिंग स्पेशली, मैंने देखा है कई सारी कोचिंग्स में पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कराई जाती है, लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट वाली चीज़ है ना उसकी कोई बात ही नहीं करता है, वहाँ पे किसी भी तरह से ये नहीं बताया जाता है कि भाई टेस्ट के लिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, वो आपको टेस्ट करवा देंगे, आपके टेस्ट सीरीज दे देंगे, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि भाई टेस्ट में एग्जैक्टली ये करो। अगर आपको ये सब जानना है, ओके, देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको मेरे JEE 2022 कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहिए, जिसपे 22 सितंबर तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। उस कोर्स के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स की काफ़ी अच्छी एक समरी प्रोवाइड की है, तो जिन बच्चों की बैकलॉग वगैरह चल रही है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, और साथ ही में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम JEE मेन एंड JEE एडवांस 2022 डिस्कस किए हैं। तो भले ही तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने यार ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, और ऐसे स्टूडेंट हो जो IIT के लिए एम कर रहा है, दोनों के लिए इसके अंदर काफ़ी यूजफुल कंटेंट है। वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से, फास्ट तरीके से कैसे कैसे करना है वो सब भी शेयर किया है। मेरी खुद की ट्रिक्स जो मैंने अपनी AIR1 की जर्नी में डेवलप की थी, वो सारी उस कोर्स के अंदर मैंने अटैच की है, एंड इट विल सर्व एज अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर कोचिंग। तो अगर आप कहीं कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, लेकिन आप आधा एक घंटा या वीकेंड्स पे इस कोर्स को भी थोड़ा पढ़ सकते हो, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपका रिविजन वगैरह मैं करवा दूंगा, आपको कई कई सारे नए तरीके ऑफ क्वेश्चन में करवाऊंगा, और फिर साथ में हमने टेस्ट सीरीज DPPs वगैरह भी अटैच किए फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सो आई हाईली रिकमेंड आपको चेक करना ही करना चाहिए, एंड लिंक्स आए डिस्क्रिप्शन, ऐप पे तो आप जाओ ही, ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स वगैरह तो मिल ही रहे, वो तो अपने फ़ोन में रखने ही रखने आपको, ठीक है, उसका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका, लेकिन आप चाहो तो एक कोर्स चेक कर सकते हो 22 सितंबर से पहले, फिर डिस्काउंट चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर JEE एंड अकेडमिक रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।